हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग ट्रेंडिंग ज्ञान। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास है रियलमी 12 प्लस मोबाइल फोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को कैसे क्लिक करा सकते हैं। दोस्तों, आप इस फोन में थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप यहां पर स्क्रीनशॉट को क्लिक नहीं करा पाते। तो दोस्तों, आप इस सेटिंग को ऑन कैसे करेंगे, या दोस्तों आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या दोस्तों आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को कैसे क्लिक करा सकते हैं और आप यहां पर स्क्रीनशॉट सेटिंग भी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए लगभग 7 से 8 ऐसे तरीके देखने को मिल जाते हैं जिनकी मदद से दोस्तों आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को क्लिक करा सकते हैं। दोस्तों, आपको यहां पर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग तरीका देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन, आप इन दोनों को एक साथ प्रेस कर देंगे तो आपका स्क्रीनशॉट यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, आप अपने फोन की स्क्रीन पर थ्री फिंगर से इस प्रकार से डाउन कर देंगे तो भी आपका स्क्रीनशॉट यहां पर आ जाएगा। दोस्तों, आपको यहां पर थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट को कैसे क्लिक कराएंगे। नेक्स्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, आप अपने फोन के कंट्रोल पैनल को नीचे की ओर स्लाइड कर लीजिए। स्लाइड करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाता है एक स्क्रीनशॉट का आइकन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट कुछ इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलते हैं ये थ्री लेयर, यानी दोस्तों आपको यहां पर थ्री डॉट देखने को मिलेंगे, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस एरो पर क्लिक कीजिए, आपको एक स्क्रीनशॉट का आइकन यहां भी देखने को मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप यहां पर इस प्रकार से भी स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाता है ये साइड बार, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां भी एक स्क्रीनशॉट का आइकन देखने को मिल जाता है, आप इस पर टैप करके भी स्क्रीनशॉट को क्लिक करा सकते हैं। दोस्तों, आप इन आइकन को कैसे लगाएंगे वो दोस्तों आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट आपको यहां पर अपने फोन की स्क्रीन पर थ्री फिंगर से लॉन्ग प्रेस कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों आप यहां पर किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको कट करना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप यहां से इस प्रकार से कर सकते हैं। कट करने के बाद दोस्तों आप यहां पर उसको यहां इस आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये स्क्रीनशॉट आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाता है रेक्टेंगल, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट यहां पर क्लिक करा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पर किसी भी एरिया को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एप्स को हाइलाइट करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप उसको शो कराना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप यहां पर करा सकते हैं। आप इसके कलर को भी यहां पर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए यहां कलर भी चेंज हो जाता है। अब दोस्तों आप इसको सेव करना चाहते हैं तो इस सही टैग पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये भी आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है दोस्तों लॉन्ग स्क्रीनशॉट। अगर दोस्तों आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को बनाना चाहते हैं तो एक लॉन्ग एरिया में चले जाइए। लॉन्ग एरिया में जाने के बाद दोस्तों एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट यहां पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पर एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर स्क्रॉल पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि आपका ये स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली यहां पर लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों आप इसको जितना भी लॉन्ग रखना चाहते हैं आप उसको यहां से रख सकते हैं। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ये आपका स्क्रीनशॉट आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो थी स्क्रीनशॉट लेने की बात। अब दोस्तों आप इस फोन की स्क्रीनशॉट सेटिंग करना चाहते हैं, ये आइकन आप यहां पर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए दोस्तों आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है एडिशनल सेटिंग, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पर क्लिक कीजिए और आपका ये फीचर्स यहाँ से डिसेबल होगा, आप इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इस फीचर्स को यहाँ से डिसेबल करता हूँ तो ये आइकन यहाँ से हट जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से डिसेबल कर दिया है तो ये आइकन यहाँ से हट चुका है। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ से इनेबल कर दूंगा तो ये आइकन यहाँ पर आ जाएगा। ओके पर क्लिक कीजिए, ये आइकन आपका यहाँ पर आ चुका है।
अब दोस्तों आप इस फोन में यहाँ साइड से इसको साइड बार लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए दोस्तों आप यहाँ से बैक आइए, एक स्टेप और बैक आइए। दोस्तों आपको यहाँ पर तीन स्टेप बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पर एक फीचर्स देखने को मिल जाता है, स्पेशल फीचर्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस फीचर्स को भी आप यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इस प्रकार से इनेबल कीजिए, अब दोस्तों आपका ये साइड बार यहाँ पर आ चुका है। अगर दोस्तों आप अपने फोन में थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट को क्लिक कराना चाहते हैं और वो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक नहीं होता है, तो दोस्तों आप इस सेटिंग को ऑन कैसे करेंगे। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए दोस्तों आप एडिशनल सेटिंग पर ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का एक आइकन देखने को मिलेगा, आप इस पर टैप कीजिए और आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है थ्री फिंगर स्वैप डाउन। आपका ये फीचर्स यहाँ से डिसेबल होगा, आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों आप अपने फोन की स्क्रीन पर इस प्रकार से थ्री फिंगर से डाउन करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से Realme 12 प्लस मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।